हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है WD-40 को हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस स्प्रे। ये मेड इन यूएसए होती है, मतलब यूएसए में बनती है और ये इंपोर्ट करी जाती है बाय पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, वही अपना फेविकॉल वाला जोड़। और अब हम बात करें कि ये क्या है। ये एक मल्टीपर्पज है जिसको आप घर पर यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, शॉप्स पर यूज़ कर सकते हैं, उसको मैकेनिक्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर तरीके का बंदा इसको यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकता है। जो WD-40 का मेन काम है वो है रस्ट रिमूवर। तो इसको हम पूरा नहीं कह सकते हैं, जहाँ पे भी रस्ट होगा, जहाँ पे भी किसी भी चीज़ पे जंग लगा होगा तो वो उस जंग को थोड़ा सा ख़त्म कर देता है। जैसे आपका कोई नट है या कुछ है, आपका कोई हैंडल है या कुछ भी है, उसको ये सॉफ्ट कर देगा, उस चीज़ की आवाज़ ख़त्म कर देगा और उसको थोड़ा सा फ्री करेगा कि आप उस चीज़ को खोल सकें या फिर उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। अब बात करते हैं इसके थोड़े और यूजेस की। अब यूजेस में तो इसका मैंने आपको बता दिया कि ये मैकेनिक्स और सारे बंदे यूज़ कर सकते हैं। इससे हम जो हमारे टायर के नट होते हैं जो जाम हो जाते हैं, जैसे 2-3 साल से नहीं खुले, टायर पंचर नहीं हुआ, सो कई बार जाम हो जाते हैं, तो स्प्रे के थ्रू हम उसको थोड़ा सा लूज़ करके उस चीज़ को खोल सकते हैं। ये कार की बैटरी को भी प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे भी कार की बैटरी होती है वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर दें और ये उस चीज़ को पानी से बचा के रखता है और उस चीज़ को मॉडरेट रखता है ना। उस पर पानी अगर पड़ता भी है तो वो नहीं टिक पाता, चाहे वो गाड़ी की बैटरी हो या वो आपके घर की बैटरी हो। किसी भी तरीके के आपके स्टिकर्स होंगे, एडहेसिव्स होंगे या कुछ भी होगा, वो किसी भी सरफेस से हटा सकता है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत लगानी पड़ेगी उसके साथ। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है WD-40 का, वो यूज़ करते हैं लोग इसको एज अ चेन स्प्रे। किसी भी बाइक की हो, किसी भी चीज़ की हो, कोई चेन हो, कोई मैकेनिकल चीज़ हो, कोई आपके बेयरिंग हो गए, गाड़ी के बेयरिंग हो गए, मशीन के बेयरिंग हो गए, उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी कोई चीज़ इस लेवल के अंदर नहीं है। अब बात करें घर की, घर में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके का स्टेन हो आपके कारपेट के ऊपर, वो इस ये स्प्रे उस चीज़ को हटा सकती है, उस चीज़ को साफ़ कर सकती है, बट उसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। इसको आपको स्प्रे करना है ढंग से, 2-3 मिनट इस चीज़ को छोड़ना है वैसे का वैसे जहाँ आपने स्प्रे करी है, और उसके बाद आपको साफ़ करना है उसको क्लीन वाटर, थोड़े से वार्म वाटर से, गर्म पानी से उसको साफ़ करना है, किसी नायलॉन ब्रश के साथ या फिर किसी स्पॉन्ज के साथ। ये किसी भी तरीके के आपके घर में हैंडल्स हों, लॉक्स हों, हिंजेस हों, या आपका कोई बाहर का जो ताला होता है गेट पे लगाने वाले बड़े वाले ताले, कई बार वो जंग खा जाता है, उसकी चाबी नहीं घूमती, तो पहले के ज़माने में हम उसमें मशीन वाला तेल डालते थे ढूंढ के, कि सरसों का तेल डालते थे तो वो जंग खाना चालू हो जाता था, तो उसमें भी आप WD-40 को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्प्रे है, एक ही बारी में उसको पूरा अच्छी तरीके से रस्ट को बिल्कुल ही ना के बराबर कर देगी, और आपकी जो किसी भी चीज़ की वर्किंग है, हिंजेस हैं, ताला है, उसकी वैसे की वैसी वर्किंग रहेगी जैसे आपने नया ही ख़रीदा हो। और अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी सफाई की। यह आपके जूतों को भी साफ़ कर सकता है, कुछ भी उस पर एडेसिव हो, ग्रीस हो, कुछ भी हो, उसको बिल्कुल साफ़ कर देता है और आपके पूरे के पूरे जूतों को बना देता है वाटर प्रूफ। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसका प्राइस अराउंड आता है 300-400 रुपये के बीच में, 400 ml की पैकिंग के अंदर। और जो ये वाला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली मेड फॉर इंडिया है। इसका मतलब ये मल्टीपर्पज़ है। WD-40 कई तरीके का आता है, ल्यूब का अलग आता है, केमिकल का अलग आता है, एडेसिव्स का अलग आता है, बट ये मल्टीपर्पज़ है। और आप इसको अगर कहीं से भी ले रहे हैं तो इसमें आप देखें कि ये मल्टीपर्पज़, उनको बोलें कि मुझे मल्टीपर्पज़ वाला WD-40 चाहिए, किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली नहीं चाहिए। और प्राइस रेंज मैंने आपको बता दी, जो ये वाला है मल्टीपर्पज़ वाला, इसकी आती है 300-400 रुपये, 400 ml की पैकिंग। और एक चीज़ का मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग है जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की साइनस या वैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस केमिकल के अंदर थोड़ी सी स्मेल ज़रूर होती है जो बच्चों को और इफ़ेक्ट कर सकती है और एल्डर्स को भी कर सकती है। सो इस प्रोडक्ट को थोड़ा तरीके से ढंग से यूज़ करें और बच्चों की रीच से बिल्कुल ही दूर रखें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।
नए भिन्न भिन्न तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ आपको पूरा का पूरा मज़ा दिलवाऊंगा और आपको पूरा का पूरा इंजॉय कराऊंगा और आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अगले प्रोडक्ट्स। अब पता नहीं क्या आता है, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, मिक्स होते जा रहे हैं, जो भी आ रहा है आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट दूँ जो थोड़ा सा आपको समझ भी आए, उसको आप यूज़ भी कर सके एंड थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल भी हो। सो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।